तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डॉट टेबल चैनल में। आज के इस वीडियो में एक ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जो आपको शायद नहीं पता हो, और ये वो ट्रिक्स है जो एनसेल का सिम यूज़ करता होगा, ठीक है, और नेपाली के लिए है खास करके। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के इन तक, और देखते रहिए टेक डॉट टेबल चैनल, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको, जैसे आपको ये ट्रिक्स यूज़ करिएगा तो आपका बैलेंस कम होगा, बैलेंस नहीं कटेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हम लोग मैसेज पिठाते हैं व्हाट्सअप पे, तो यहाँ भी इंटरनेट होना चाहिए, वहाँ भी जाए जिसके पास सेंड कर रहे हैं वहाँ भी इंटरनेट होना चाहिए, तो भी आप मैसेज सेंड कर पाएंगे और वो पढ़ पाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रिक्स यूज़ करके आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे इंटरनेट है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास आप सेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको वहाँ उस व्यक्ति के पास इंटरनेट नहीं भी रहेगा, और एक के बाद आपको एक डायरेक्ट मैसेज बिठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एनसेल सिम का, क्योंकि हम लोग ये एनसेल के बारे में हम देख रहे हैं, एनसेल के बारे में है और एनसेल है। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे एनसेल ऐप सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, तो मैं इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। तो ये रहा मेरा इंस्टॉल हो गया, और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या करना होगा, ओपन तो हो गया, और ओपन करने के बाद क्या होगा कि और यहाँ पे स्किप कर देना है, नहीं तो नेक्स्ट भी कर देना है, तो मैं यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दोनों में टिक्स कुछ एग्रीमेंट होगा कंडीशन, और यहाँ पे आपको टिक लगा देना है, टिक लगाएं दोनों में, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको, आप नेपाली है तो नेपाली आपको यहाँ देखिए, यह लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नेपाली है तो नेपाली, मतलब इंग्लिश नहीं समझते तो नेपाली कर सकते हैं, और इंग्लिश अच्छा आपको बेटर हो तो इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट रहने देंगे, और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे क्लिक। और उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर था, अपना मोबाइल नंबर इस मोबाइल में चालू है अभी, वो मोबाइल नंबर आपको इसमें लिख देना है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक कर देना है, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख, यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद इस पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, ऑटोमेटिक ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एनसेल का एप्स हो गया, यहाँ पे अलाउ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा बैलेंस कितना है, 6 रुपया कुछ पैसा है आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेट पैक कितना है ये सब दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैसेज, मैं एक मैसेज यूज़ कर लिया हूँ इसीलिए 9 दिखा रहा है। देखिए यहाँ फ्री डेली एसएमएस, देखिए यहाँ से आपको कुछ क्या करना है, क्या है यहाँ डेली, मतलब हर एक दिन आपको 10 मैसेज फ्री देगा, और किसी नंबर पर सेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या हुआ ना, जैसे कि आपके पास इंटरनेट है और वो यूज़र के पास इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ मैसेज आप सेंड कर पाइएगा इस ऐप्स के जरिए। एनसेल का ऐप कर यूज़ करना होता करना है तो यूज़ करते हैं तो बहुत हमको, हम लोगों का फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे डेली का रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स आपको मिलेगा, पैक मिलेगा, बाय मिलेगा, चैट सपोर्ट, यहाँ से सब कुछ आप कस्टमर केयर से भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है। तो आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैसेज जैसे डेली यहाँ से आपको 10 मैसेज मिलेगा, तो यहाँ पर कंपोज पर क्लिक कर देना है। कंपोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जिस नंबर के पास सेंड करना चाहते हो वो नंबर आपको डाल देना है, और नहीं तो आप कॉन्टैक्ट से भी यहाँ से सेलेक्ट कर और सेंड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, ये अलाउ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस नंबर के पास आपको, जिस नंबर में आप सेंड करना चाहते हैं, तो वही सिर्फ एनसेल का नंबर में, फिर एनटीसी का नंबर में नहीं, किसी और नंबर में नहीं, सिर्फ एनसेल का नंबर में। तो यहाँ पे बीटू पटेल, मैं कुछ
कोई भी सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख दे रहा हूँ हेलो, और आपका मैसेज हेलो लिखा गया और उसके बाद सेंड कर लीजिएगा। सेंड करने के बाद आपको कुछ ही सेकेंड में आपको सक्सेसफुल सेंड हो जाएगा। देखिए मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ओके, आपका पूर्ण रूप से मैसेज सेंड हो गया। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा मैसेज का जो पै 10 था 9 था बाकी, तो अब यहाँ पे 7 ही दिखाएगा, 8 ही दिखाएगा, सॉरी 8 ही दिखाएगा। यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेगा, हो गया। और यहाँ पे आपको देखिए 9 था तो 8 ही दिखा दिया, और उसके पास इंटरनेट नहीं है, नहीं रहेगा तो भी आप चल गया होगा और वो पढ़ लेगा, और यहाँ पे आपको वीडियो ये समाप्त हो जाता। इससे क्या हुआ कि दुनिया के कोई भी कोने में रहेंगे तो आप कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं नेपाल में, पहले से रजिस्टर हुआ हो तो जाता है। तो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, लाइक एंड शेयर, और हाँ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।